हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान मंसूरी और आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी होती है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कितने प्रकार की मेमोरी होती है, कौन कौन सी मेमोरी होती है, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर सिस्टम में, क्या क्या रोल होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेमोरी होती क्या है। आप सभी ने कहीं ना कहीं मेमोरी के बारे में पढ़ा होगा, अभी हम डिटेल में देखते हैं कि मेमोरी होती क्या है। दोस्तों मेमोरी जो शब्द है इसका हिंदी मीनिंग होता है याददाश्त। जिस तरह से ह्यूमन बींग की याददाश्त होती है उसी तरह से कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। तो हम इसको सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं हमारी ह्यूमन मेमोरी से। जैसे हमें कोई चीज़ याद रखनी होती है तो हम हमारे माइंड में उसे याद रखते हैं, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे निकाल करके कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी डाटा हम लोग इनपुट करते हैं, उस डाटा को हमें कहीं ना कहीं पर स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो टेम्प्ररी बेसिस पे हो या परमानेंट बेसिस पे। तो दोस्तों डाटा को जब हम स्टोर करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी डिवाइस में स्टोर करेंगे हम लोग, और उस डिवाइस को हम बोलते हैं मेमोरी। तो मेमोरी कुछ और नहीं बल्कि ये एक कंप्यूटर का डिवाइस है जहाँ पर हम डाटा को स्टोर करते हैं। अब ऐसे अलग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेमोरी डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। वन बाय वन हम सबकी जानकारी लेंगे कि कौन कौन से मेमोरी डिवाइसेस होते हैं और कौन कौन से मेमोरी डिवाइसेस किस काम में आते हैं। दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है मेमोरी का, जिसमें अलग अलग प्रकार की मेमोरी दिखाई गई है। तो दोस्तों देखते हैं कि मेमोरी को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। हम लोग इसमें सबसे पहले देखते हैं कि मेमोरी जो है, मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होगा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये जितनी भी सारी मेमोरीज है ये क्या होती हैं, किस काम में आती है, ये सब हम लोग आगे डिटेल में देखने वाले हैं। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी को फर्दर डिवाइड किया गया है कैच मेमोरी में, कैच मेमोरी और मेन मेमोरी में। तो प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, कैच मेमोरी और मेन मेमोरी। फिर मेन मेमोरी को फिर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो होती है रैम और दूसरी होती है रोम। रैम, रोम और ये जितने भी सारी चीज़ें, इनके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं, क्यों यूज़ में आते हैं, किस तरह के डिवाइसेस हैं, ये सारे हम लोग डिटेल में आगे देखने वाले हैं। ये सारे एब्रिवेशंस भी आप लोगों को आगे इनके फुल फॉर्म्स भी मिल जाएंगे। जितने भी एब्रिवेशंस दिख रहे हैं आपको, HDD, CD, DVD, FD, PROM, EEPROM, इन सभी के मैं फुल फॉर्म्स डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मेन मेमोरी को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रैम और रोम में। तो रैम कितने टाइप की होती है, रैम भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है SRAM और एक होती है DRAM। दूसरी रोम भी तीन टाइप की होती है, रोम होती है PROM, EEPROM और EEPROM, इसको E2PROM भी कहा जाता है। तो दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी पे आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेकेंडरी मेमोरी होती है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी। तो मैग्नेटिक डिस्क दो टाइप की होती है, एक तो HDD, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, और एक और होती है FDB, इसको बोलते हैं FDD, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो मैग्नेटिक डिस्क दो टाइप की होती है। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है वो तीन टाइप की होती है, CD, DVD और BRD। CD होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और BRD होती है ब्लू रे डिस्क। अगेन फ्लैश मेमोरी भी दो टाइप की होती है, एक तो मेमोरी कार्ड और दूसरी होती है पेन ड्राइव। तो दोस्तों ये ट्री स्ट्रक्चर था, आइए आगे जानते हैं इन सभी के बारे में कि कौन कौन सी मेमोरीज होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। दोस्तों प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है कंप्यूटर में जिसको प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी इज कंप्यूटर मेमोरी दैट प्रोसेसर एक्सेस डायरेक्टली। इट अलाउ प्रोसेसर टू एक्सेस रनिंग एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन एंड सर्विसेज दैट आर टेम्परली स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन। तो दोस्तों ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, और ये सेकेंडरी मेमोरी और सीपीयू मतलब प्रोसेसर के बीच में होती है। यहाँ पर आप एक ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, नीचे ब्लॉक डायग्राम में हमारे यहाँ पर ये सीपीयू है,
जो हमारे डेटा को प्रोसेस करता है, ये प्राइमरी मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो दोस्तों सीपीयू की एक टेंडेंसी होती है कि वो कभी भी सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। सीपीयू जो होता है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है? प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। तो सीपीयू डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी को ही एक्सेस कर सकता है, इसीलिए हमने इसको प्रारंभिक मेमोरी के मतलब कि प्राइमरी मेमोरी कहा गया है। तो ये थे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैच मेमोरी क्या होती है। कैच मेमोरी, इसको कई लोग कैचे मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी देखा। प्राइमरी मेमोरी में हमने ट्री स्ट्रक्चर में देखा था कि उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है उसका मेन मेमोरी और दूसरा पार्ट होता है कैच मेमोरी। दोस्तों जो कैच मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में होती है। पहले हम लोगों ने देखा था इससे पहले कि प्रोसेसर होता था, मैं आपको फिर से वही स्लाइड पे लेकर के जाता हूँ एक बार, प्राइमरी मेमोरी वाली स्लाइड पे। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के बीच में हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है और प्राइमरी मेमोरी के बाद हमारी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। बट इस प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है मेन मेमोरी और दूसरा कैच मेमोरी। तो दोस्तों कैच मेमोरी जो होती है वो कैच मेमोरी मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में होती है, मतलब कि मेन मेमोरी के बाद में होती है कैच मेमोरी, देन उसके बाद होता है प्रोसेसर। दोस्तों ये सबसे छोटी मेमोरी होती है, वेरी स्मॉल इन साइज और फास्ट इन नेचर, ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है। अगर यहाँ पर एक बार डाटा स्टोर होता है तो प्रोसेसर उसको ईजिली और काफ़ी फास्ट तरीके से एक्सेस कर सकता है। हम इसकी डेफिनेशन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कैच मेमोरी इज द स्मॉल साइज टाइप ऑफ वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी दैट प्रोवाइड हाई स्पीड डाटा एक्सेस टू अ प्रोसेसर एंड स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन एंड डाटा। दोस्तों डेफिनेशन ये कहती है कि जो भी फ्रिक्वेंटली यूज्ड डाटा होता है, जो प्रोसेसर को बार बार एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है, वो मेन मेमोरी से उठ करके पहले कहाँ आ जाता है? कैच मेमोरी में। कैच मेमोरी में स्टोर हो जाता है ताकि प्रोसेसर को उस डाटा को एक्सेस करने में और भी ज़्यादा आसानी हो। तो दोस्तों कैच मेमोरी की दो टेंडेंसी होती है, वेरी स्मॉल इन साइज, सबसे पहले तो ये सबसे छोटी मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की, सबसे छोटी मेमोरी कैच मेमोरी होती है, और इस वेरी फास्ट इन नेचर, यहाँ पे जब डाटा स्टोर हो जाता है एक बार तो प्रोसेसर उसको बहुत ही फास्ट तरीके से एक्सेस कर सकता है। तो ये था कैच मेमोरी के बारे में। मेमोरी है वो है हमारी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी, ये मेमोरी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कंप्यूटर सिस्टम में, जिसमें हम लोग फ्रिक्वेंटली रनिंग डाटा को स्टोर करते हैं। फ्रिक्वेंटली रनिंग डाटा का मतलब होता है जो करंटली रनिंग कंडीशन में होता है वो डाटा को हम लोग इसमें स्टोर करते हैं। तो मेन मेमोरी में वो डाटा स्टोर होता है जो कि रनिंग कंडीशन में होता है। अगर हमें कोई भी प्रोग्राम को या कोई भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करनी है, अगर हमें कोई भी प्रोग्राम को रन करना है, तो हमें उसे पहले मेन मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लेट सपोज आपने कोई आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में कोई एक सॉन्ग स्टोर्ड है और उस सॉन्ग को आप प्ले करना चाहते हैं, तो वो सॉन्ग को पे आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे वो प्ले होगा, तो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी मतलब कि हार्ड डिस्क में से निकल के पहले कहाँ जाएगा? मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी से मतलब है यहाँ पर हमारा रैम। जनरली मेन मेमोरी दो टाइप की होती है, रैम और रोम, बट मेनली कुछ लोग रैम को ही मेन मेमोरी कहते हैं। तो पहले जब जैसे ही आप सॉन्ग प्ले करेंगे वो पहले उठ कर कहाँ पर जाएगा? मेन मेमोरी मतलब कि रैम में स्टोर होगा, और ताकि उसको सीपीयू एक्सेस कर सके। जैसा कि हम लोगों ने ट्री स्ट्रक्चर में देखा था कि मेन मेमोरी जो होती है वो दो टाइप की होती है, पहली होती है रैम और दूसरी होती है रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि रैम और रोम होती क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रैम क्या होती है। जो होती है वो एक मेमोरी डिवाइस होता है जो प्रोसेसर को डाटा सप्लाई करता है। ये एक वोलेटाइल मेमोरी है जो डाटा को टेम्प्ररी स्टोर कराता है और डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है प्रोसेसर से। अगर प्रोसेसर को किसी डाटा की ज़रूरत है, अगर डाटा प्रोसेसर को कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो वो सबसे पहले किसको अप्रोच करता है? रैम को। और रैम में वो डाटा स्टोर होता है जो प्रोसेसर को प्रोसेस करना है। तो दोस्तों रैम दो टाइप की होती है, एसरैम होती है जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों देखते हैं कि ये दोनों टाइप की जो रैम होती है, एसरैम और डीरैम, तो देखते हैं दोस्तों कि एसरैम और डीरैम में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एसरैम जो हमारी होती है
वो डाटा को फ्लिप फ्लॉप के फॉर्म में स्टोर करती है। यहाँ पे डाटा फ्लिप फ्लॉप के फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब कि जो डाटा होता है वो फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होता है और इसको कंटिन्यू रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरह जो डायनामिक रैम जो होती है, वो डायनामिक रैम में डाटा जो स्टोर होता है वो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब कि कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर में डाटा स्टोर होता है यहाँ पर। और डायनामिक रैम जो होती है उसको कंटिन्यू रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम दोनों ही टेक्निकली अलग अलग टाइप की रैम है, और अभी जो करंटली जो ट्रेंड में जो रैम है वो डायनामिक रैम चल रही है। नेक्स्ट है हमारे पास रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर दोस्तों नाम से ही हमें पता चल रहा है कि रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये टाइप की मेमोरी जो डाटा को सिर्फ रीड कर सकती है, ना कि राइट कर सकती है। इसमें हम लोग कोई भी डाटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये जो रैम होती है, यहाँ पर डाटा जो स्टोर होता है वो बायोस के कंटेंट होते हैं। इसमें बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस की इन्फॉर्मेशन जो हमें कभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसको हम सिर्फ रीड करते हैं, और हमारे हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन जिसको सिर्फ हम रीड करते हैं, जिसको हमें कभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम किस में स्टोर करते हैं? रोम में। रोम में हम स्टोर नहीं करते हैं। जनरली ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है रोम में, जो इतना भी डाटा होता है वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही इसमें स्टोर कर दिया जाता है। और एक बार जब इसमें डाटा स्टोर हो जाता है तो ये कभी भी चेंज नहीं होता, और ना ही हम इसको डिलीट कर सकते हैं, सिर्फ हम इसको रीड कर सकते हैं। दोस्तों रोम भी मेनली तीन प्रकार की होती है। पहली होती है पी रोम, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू डाटा को स्टोर करते हैं। दूसरी होती है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर अगर हमने एक बार डाटा स्टोर कर दिया है, हमें ऐसा लग रहा है कि डाटा कहीं ना कहीं गलत स्टोर हो गया है, या हमें कोई और डाटा को हमें यहाँ पर स्टोर करना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम प्रोग्राम के थ्रू डाटा को इरेज करते हैं, देन प्रोग्राम के थ्रू वापस से इसमें डाटा स्टोर करते हैं। थर्ड वन जो होती है वो होता है डबल ईपी रोम, इसको बोलते हैं ई2पी रोम भी बोलते हैं कभी कभी। तो डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों इसमें भी डाटा जब एक बार स्टोर हो जाता है और हमें लगता है कि इसमें और कोई डाटा स्टोर करना चाहिए, तो हम इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू इसमें से डाटा को इरेज करते हैं, देन फिर प्रोग्रामिंग के थ्रू इसमें डाटा हम लोग स्टोर कर देते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, रीड ओनली मेमोरी में कभी भी डाटा हम लोग यूज़र, कंप्यूटर यूज़र इसमें डाटा को स्टोर नहीं कर सकता है। इसमें डाटा स्टोर अगर करना है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही, जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर होते हैं, सिर्फ वही डाटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा कुछ था प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी के बारे में जितनी भी चीज़ें हमने देखी है, मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ कि हमने कौन कौन सी चीज़ें प्राइमरी मेमोरी के बारे में देखी है। हम इसके ट्री स्ट्रक्चर पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मेमोरी देखा था, मेमोरी देख चुके हम लोग, मेमोरी के बारे में देख चुके हैं। हमने देखा था कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी में हमने दो टाइप की मेमोरी देखी, एक तो मेन मेमोरी देखा हम लोगों ने, और एक कैच मेमोरी देखा। मेन मेमोरी में फिर हम लोगों ने दो टाइप की मेमोरी देखी, एक हम लोगों ने रैम देखा, रैम के दोनों टाइप देखे, एस रैम और डी रैम। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर रोम देखा, रोम के तीन टाइप देखे, पी रोम, ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम। दोस्तों तो ये जो इतना पार्ट हम लोगों ने मेमोरी का, जो प्राइमरी मेमोरी वाला पार्ट है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो दोस्तों चलते हैं वापस से फिर से हमारे उसी स्लाइड पे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी इज कंप्यूटर मेमोरी दैट इज नॉन वोलेटाइल एंड परसिस्टेंट इन नेचर एंड इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द कंप्यूटर और प्रोसेसर। दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी का मतलब ये होता है कि इसको सेकेंडरी मेमोरी कहा ही इसलिए जाता है कि इसको कंप्यूटर या प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। अगर सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी डाटा स्टोर्ड है और अगर हमें उसे एक्सेस करना है या प्रोसेसर को उसे एक्सेस करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहले वो डाटा कहाँ स्टोर होगा, कहाँ पर? प्राइमरी मेमोरी में, मतलब कि रैम में या कैच मेमोरी में, जो भी हम लोगों ने इससे पहले मेमोरीज के बारे में देखा। तो जो डाटा हमें सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है वो हमें एक्सेस करना है, तो उसको हमें पहले कहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा? प्राइमरी मेमोरी में। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, और ये डाटा, ये जनरली एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब कि इसमें हम लोग डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम लोग डाटा को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं,
ये इसमें डाटा तब तक स्टोर रहता है तब तक हम जब तक हम इसको इसमें से डिलीट नहीं करते। तो डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए और लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ही बोलते हैं और यहाँ से डाटा को हम लोग परमानेंट स्टोर करके इजीली रिट्राइव भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन से टाइप की होती है। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी होती है मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप जो होती है दोस्तों, अभी इस टाइप की मेमोरी आपको देखने को बहुत कम मिलेगी या नहीं भी मिल सकती है देखने के लिए। पहले जब होता था कि हम देखते थे कि एक मैग्नेटिक टेप होती है जिसमें हम लोग, जिसको कैसेट बोलते थे हम लोग, जो VCR होता था VCR की कैसेट होती थी, या फिर ऑडियो जो होता था ऑडियो टेप होती थी उसी कैसेट होती थी, जिसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप में सारा डाटा स्टोर होता था और उसमें उसको हम उस मैग्नेटिक स्ट्रिप को रीड करके हम लोग डाटा को रिट्राइव करते थे। जनरली ये जो टाइप की सेकेंडरी मेमोरी है इसको हम लोग मूवीज़ या फिर म्यूज़िक को स्टोर करने के लिए यूज़ में लाते थे। दोस्तों मैग्नेटिक टेप का, इसमें मैग्नेटिक टेप की एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम इसको डायरेक्टली जंप नहीं करा सकते। लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कैसेट है और एक कैसेट में हमारे पास चार गाने हैं और चार गाने में हम पहला गाना हम आप सुन रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली फोर्थ नंबर का सॉन्ग प्ले करें, चौथे नंबर का गाने को प्ले करें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। आपको पहला गाना सुनना पड़ेगा, दूसरा सुनना पड़ेगा, तीसरा सुनना पड़ेगा, तब जाकर के आप चौथे गाने पर आएंगे। या फिर इसमें फास्ट फॉरवर्ड होता है, फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी इसमें चौथे गाने पर जा सकते हैं, बट डायरेक्टली हम इसमें जंप नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये भी मैग्नेटिक टेप एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम मैग्नेटिक स्ट्रिप के थ्रू हम लोग उसमें डाटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट टाइप की सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो होती है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जनरली क्या होता है कि मैग्नेटिक डिस्क दो टाइप की होती है, एक तो हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरा होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव दोनों मैग्नेटिक डिस्क में डाटा को स्टोर करती है, जिसमें ट्रैक्स और सेक्टर्स की हेल्प से हम लोग डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। तो ट्रैक्स और सेक्टर्स में डाटा को स्टोर होता है और इसमें हेड के थ्रू हम डाटा को इससे रिट्राइव करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क लार्ज इन साइज होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क, हमारी हार्ड डिस्क को हम लोग बहुत बड़े साइज में भी हम लोग इसमें 1000 GB या 1 TB या फिर 2 TB 3 TB इस तरह से हम लोग इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। और फ्लॉपी डिस्क भी मैग्नेटिक डिस्क है, बट ये अभी आजकल ट्रेंड में नहीं है। फ्लॉपी डिस्क एक बहुत ही छोटे साइज़ की मेमोरी होती थी, पोर्टेबल होती थी। इसमें हम लोग अगर 4 MB या 5 MB का डाटा जो होता था उसको ट्रांसपोर्ट कराना होता था, या हमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस डाटा को ट्रांसफ़र करना होता था, हम फ्लॉपी का यूज़ करते थे। तो ये भी एक मैग्नेटिक डिस्क है। तो दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के का जो सेकेंड टाइप है वो है मैग्नेटिक डिस्क, जिसके दो टाइप होते हैं, एक तो हार्ड डिस्क ड्राइव और एक होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इमेजेस आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। हर टाइप की जो मेमोरी होती है वो होती है ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी। इस टाइप की मेमोरी में हम लोग सर्कुलर प्लेट पे ऑप्टिकल फाइबर मटेरियल का यूज़ करके हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। प्लास्टिक पे ऑप्टिकल फाइबर मटेरियल कोटेड होता है इसमें, और इसमें हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दो टाइप की ऑप्टिकल डिस्क होती है। एक पहली होती है CD, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, और दूसरी होती है DVD, जिसको हम बोलते हैं वर्सटाइल डिस्क। आजकल एक और टाइप की ऑप्टिकल डिस्क आ रही है दोस्तों, जिसका नाम है ब्लू रे डिस्क, जिसको हम लोग BRD भी बोलते हैं। जनरली फ्लॉपी से ज़्यादा डाटा को स्टोर करती है और इजीली डाटा को ट्रांसपोर्ट करने में काम में आती है। लेट सपोज हम कहते हैं कि एक CD जो होती है वो 700 MB 700 MB के डाटा को स्टोर करती है और इजीली हम लोग इसको कहीं पर भी पोर्ट कर सकते हैं। और जहाँ पर DVD होती है 4.7 GB डाटा को स्टोर करा सकती है और इसको भी हम लोग इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस पोर्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइप की जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है वो होता है फ्लैश मेमोरी। ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो डाटा को स्टोर कराती है। इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो होता है पेन ड्राइव, सेकेंड होता है मेमोरी कार्ड, जिसमें डाटा को हम लोग फ्लिप फ्लॉप या फिर
ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर के फॉर्म में परमानेंटली स्टोर करते हैं। जनरली ये जो टाइप की मेमोरीज होती है फ्लैश मेमोरी, ये हम लोग डिजिटल कैमरा, यूएसबी फ्लैश ड्राइव या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था सारा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा जो आज का ट्यूटोरियल है वो अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ कि आपने यहाँ पर कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आप और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल टेक एंड टिप्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।